Assalamualaikum, this is Fatima Jafri and welcome back to another vlog. Hello. Hello. आपको नहीं पता ये बहुत बड़े लोग अच्छा जी मैं करवाने आई हूँ वकार सलोन पे अपनी सर्विसेज हो जाए शुरू बताओ कि जो लोग थोड़ी थोड़े टाइम के बाद बहुत सारी अपनी जीन्स वगैरह को निकालते हैं दादी मैं तुम्हारा भाई बोल रही हूँ तुम भाई हो ना तुम बड़े भाई हो ना यार लिटरली यार ये गोद में आता था अब नहीं आ सकता वो अलग बात है लेकिन पहले गोद वाला था ये पहले गोद वाला था गाइस आपको मजे की बात बताऊं आज ना शपर आ रहे हैं और उनको लेने के लिए मैं तैयार हुई मैं शक्ल की आप देखिए कैसे रेड़ बची है हर तरफ से दाने दाने निकले हुए बस थोड़ी देर में इन ड्राइवर आ रही है मैं और कंबर जा रहे हैं लेने के लिए और हमारे भैया साहब जो हैं वो आपको हल्की हल्की सी खराटे की आवाज़ आ रही होगी शक्ल दिखाऊंगी तो गुस्सा करेगा बाद में लेकिन आप ये आवाज़ सुन सकते हैं ये साउंड मेरे भाई की तरफ से लोग आ रहे हैं इससे ही पता लग जाना चाहिए 1:30 पे तो आए हैं कहाँ है नजर ऐसे बना गाइस इतनी गर्मी है ना और अभी तक नहीं आया और रश इतना क्योंकि शायद हाजी भी अभी आया है मैं तो देख ही नहीं सकती मैं तो ड्रोन व्यू ले गेट से वापस आके चले गए अब क्या है FIS उड़ाऊँ मैं बंदे को अपने प्लेन में हवा निकल गई हमारी तो मेरी शक्ल देखी पासपोर्ट देखा साथ इसने फोन मिला दिया कि वो पाकिस्तान से शपर आया यार हुआ ये था कि मैंने कहा पाकिस्तान जाके गिफ्ट दूंगा फिर वहाँ पे मैंने घड़ी देखी अंगूठी देखी मैं जिस जगह पे रह रहा था ना MR में एशियन साइड पे वो एक महंगी तरीन जगह थी तो उसके मॉल में मुझे एक अंगूठी पसंद आई तुम्हारे लिए मुझे नहीं पता था कि वो असली है नकली उन्होंने कहा जी वाइट गोल्ड है 2 साल की गारंटी है 60,000 की अंगूठी थी मैंने बड़ा गौर से सोचने के बाद फिर मैंने कहा यार मैं घड़ी ले लेता हूँ बोले घड़ी मैं तो सदमे में चली गई हूँ गाइस मेरे भाई का ना तो बुरा एक्सीडेंट हो गया हे गाइस अस्सलाम वालेकुम दिस इज फातिमा जाफरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और हम लोग जा रहे हैं लाहौर वापस अपने रूटीन पर बहुत घूम लिए बहुत महका खेल लिया अब घर जा रहे हैं और घर की अलग खुशी होती है क्योंकि जाहिर सी बात है अपने घर ये किस बात अपना यार घर वालों ने कह दिया कि बस वही घर है वहीं रहो तो अब वापस जा रहे हैं चलो आपको पता है आपके बार ना हमारी डक नहीं लगी है तो अभी एक अंकल अभी मेरे सामने ये हादसा सिर्फ मैंने देखा है पहले से दरवाजा जाके खींच रहे थे वहां पे तो बाहर बताए बिल्कुल जहाज में जा रहे थे बस में कैसा है ये सीटें ही उड़ेंगी यहाँ टॉप में रख के ठुस وعلى آل سيدنا محمد والصحابي سيدنا محمد وبارك وسلم دعاء سفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بعد هذا الساعة السهوانية سواري کو مصفح کر لیا ورنہ ہم اس کا ملانے کی طاقت نہ رکھتے تھے بے شک ایک روز اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے صحیح سلامت پہنچا खाना नहीं खाया जा रहा मैं जब छोड़ो
गाइस ये देखें, ये जो ये बंदा है ना, ये कार ले आकर मुझे बैठा दिया और मैं भी पाँव बड़े मज़े से पाँव लटका के बैठी हूँ। अभी पापा जी का आने में थोड़ा सा टाइम है और मैं तो मुंह पर मास्क लगा के खामोशी से बैठ गई हूँ, क्या करूँ। तो गाइस हम लोग फाइनली आ गए और ये भाई अनफिया तो धुला उला बन गया है लेने के लिए मुझे। वाह भाई, और ब्लॉग भी ले गया अपनी। वाह अनफिया हमारा बड़ा बड़ा हो गया भाई, 15 दिन में बदल गया। सो गाइस हम लोग एयरपोर्ट से उड़कर पहुंच गए हैं दो कदम आगे, लाहौर में ही हैं अभी। हमारे बहुत अजीज आका जान की फैमिली है उनके पास और ये हमारी फिलहाल पुरानी ब्लॉग में भी आपको पता जैसे कि मिली थी भाई। इनका नाम है रिदा। यस रिदा, क्या हाल है? फातिमा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी सी ऑफ चल रही है बीबी, क्या करें बात चल बड़े। और भाई क्या खाया आपने नाश्ते में? मैंने खाया नान चने। मेरी कॉपी, मैंने भी तो यही खाया। मुझे वैसे भी पसंद है। पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत पसंद। चलो भाई इनकी मेरी पसंद सेम है। अब हम देखते हैं कि हमें कब जाना है क्योंकि मैं तो नींद में घट हो रही हूँ, पता है पूरी रात की जागी हुई हूँ। तो इन्होंने लस्सी पी ली। क्या लस्सी पी के यहाँ पे दोपहर में भी बारिश होती है, इससे हमें ये पता चला। घर और थकन की वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। ऐसा करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अल्लाह हाफिज़।